हेलो फ्रेंड्स, पीरियड्स के टाइम पर आखिर हम लोग क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, ये बार बार सवाल पूछा जाता है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आज इसी सवाल का जवाब देने इस वीडियो में उपस्थित हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा खाना खाया जाए, ऐसी कौन सी डाइट ली जाए जिससे कि पीरियड्स के क्रैम्प्स को कम किया जा सके और पीरियड्स के टाइम को कम्फर्टेबली आराम से निकाला जा सके या इंजॉय किया जा सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पीरियड्स के टाइम पर आखिर क्या चेंजेस होते हैं और क्यों ये दर्द होता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण पीरियड्स आते हैं, एस्ट्रोजन से प्रोजेस्टेरोन का लेवल चेंज होता है, इसीलिए पीरियड्स आते हैं। दूसरा, उस टाइम पे कुछ हार्मोन ऐसे बनते हैं जो कि क्रैम्प्स को स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिंस होते हैं, साइटोकाइंस होते हैं और TNF अल्फा और बीटा जैसे कुछ केमिकल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण की पेन होता है। और ये जो पेन है वो सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं, यानी कि जब बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है तो ये वाले मार्कर्स इंक्रीज होते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें कुछ ऐसा फूड लेना चाहिए जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को कम करे और बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को या रिएक्शन को कम कर सके। तो कुछ ऐसा फूड है जो हमारे पुराने वेदों में बताया गया है कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड काउंट होता है, जिंजर है, गार्लिक है, हल्दी है और ग्रीन टी है। तो ये चार चीज़ें ऐसी हैं यदि आप अपने खाने में शामिल करते हैं तो ये आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन के लेवल को कम करती हैं। हल्दी के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ ही साथ इम्यूनो बूस्टिंग मॉड्यूलेटर्स भी होते हैं, यानी कि आपके रोग से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाते हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं, तो आप सब्ज़ी में डालकर या जैसे भी आप इनको खाने में शामिल कर सकते हैं। और ग्रीन टी को तो आप दिन भर में 3-4 बार आप आराम से ले सकते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं वो है मैग्नीशियम रिच फूड। मैग्नीशियम एक ऐसा कंटेंट है, एक साल्ट है जो कि मसल्स को रिलैक्स करता है और पेन को रिलीव करता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैग्नीशियम रिच है, जैसे कि डार्क चॉकलेट, सबको पसंद है चॉकलेट खाना, लेकिन आप डार्क चॉकलेट की तरफ फोकस कीजिए। इसके साथ ही साथ पालक है, कई लोगों को पसंद होगा, कई लोगों को नहीं पसंद होगा, लेकिन बादाम डेफिनेटली सबको पसंद होगा। तो आप बादाम खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट खा सकते हैं, सब्ज़ी में आप पालक ऐड कर सकती हैं। इसके साथ ही आप बथुआ भी ले सकती हैं, मेथी भी ले सकती हैं और जितनी भी फ्रूट्स होते हैं, तो जैसे कि गवावा है, अमरूद है और ये जो बेरीज होती हैं, जो ब्लू बेरीज हैं, रेड बेरीज हैं, इनमें भी काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और मैग्नीशियम भी होता है। तो ये आप ज़रूर खा लीजिए जिससे कि आपका मैग्नीशियम का लेवल बढ़ेगा और आपके मसल्स थोड़ी रिलैक्स रहेंगी और आपको पेन कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी। पानी एक सबसे ज़्यादा उपलब्ध और सबसे ज़्यादा अवेलेबल चीज़ है जिसको कि हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट यदि आप बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहती है और आपका रोग से लड़ने की शक्ति भी बनी रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन्स हैं, वो सारे के सारे पानी के द्वारा ही बाहर निकल पाते हैं। इसलिए यदि आप बॉडी में हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर रहेगा तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबल महसूस करेंगी, इसलिए आपको हर घंटे 1 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आप यदि नॉर्मल नेचुरल डाइट पे फोकस करती हैं, यानी कि दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारी चीज़ें आपको एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक और साथ ही एंटी ऑक्सीडेंट और एनर्जी सभी कुछ देती है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं, उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, तो आप इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसके साथ ही साथ हरी सब्जियों के बारे में हमने अभी आपको बताया कि बथुआ है, पालक है, मेथी है, इन सब में काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ आप फ्रूट्स यूज़ कर सकती हैं, जैसे कि बनाना या केला है, एप्पल है, अंजीर आप ले सकती हैं और इसके साथ ही आप एप्पल ले सकती हैं। तो जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल हो तो आप फल भी ले सकती हैं जिससे कि आपको एनर्जी भी मिले और मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलते रहें। और जब आप बैलेंस डाइट लेती हैं तो आपके शरीर में एक अलग ही लेवल की एनर्जी बनती है जो कि आपको रोग से लड़ने की शक्ति के साथ ही साथ आपको काम करने की एनर्जी भी देती है। और जब आप सिटिंग जॉब ज़्यादा करती हैं या ब्रेन वर्क ज़्यादा करती हैं तो बॉडी को ग्लूकोज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी स्थिति में आप ऐसी लिक्विड चीज़ें ले सकती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाए। और इसके साथ ही साथ यदि किसी लेडीज़ को कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की क्रैविंग होती है, जैसे किसी को अचार की, पराठे की, या किसी को गोलगप्पे की, या किसी को खट्टे की या मीठे की, तो इस तरीके की कैंडीज़ वगैरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप खा सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं। और आइसक्रीम्स तो आप सदाबहार है, आप हमेशा खा सकती हैं, चॉकलेट्स आप खा सकते हैं, बट डेफिनेटली मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना करूंगी कि आप प्रोसेस फूड बिल्कुल ना खाइए, यानी कि पिज़्ज़ा, चीज़ बर्गर, ये चीज़ें नहीं खाइए जिसमें कि प्रोसेस वाइट फ्लावर होता है, जिससे कि मैदा होता है और बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। तो ये वाली चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। बहुत सारी तली भुनी चीज़ें आप नहीं खाइए, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आप नहीं लीजिए जिससे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड कीजिए, नेचुरल चीज़ों को प्रेफर कीजिए। और एक
रेनबो डाइट लीजिए, यानी कि रंग बिरंगी चीज़ें खाइए, क्योंकि पीली चीज़ में कुछ कैरोटीन होता है तो रेड चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट होता है और हरी चीज़ों में मिनरल्स और विटामिंस होते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने आपको बोला हर घंटे एक ग्लास पानी भी पीना है, फ्रूट्स भी लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, लिक्विड्स भी लेने हैं, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी हमने आपको बताई हैं कि जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी भी हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हल्दी ले सकते हैं, अदरक और लहसुन ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आप मिक्स एंड मैच करके अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि पीरियड्स के टाइम पर ही नहीं, अगर आप महीने भर सेम चीज़ें करते हैं तो आपको पीरियड्स के दौरान ऑटोमेटिकली आपकी शक्ति, आपके शरीर में एक शक्ति बनी रहेगी, आपके शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति बनी रहेगी और आप कोई सी भी स्थिति को, कोई सी भी बीमारी को अच्छे से फेस कर पाएंगी और अपनी लाइफ कंफर्टेबल बना पाएंगी। थैंक यू सो मच।